बड़ी खबर लातेहार जिला से है, जहां नक्सलियों के विरुद्ध जारी सर्च ऑपरेशन के बीच प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP और पुलिस के बीच बोकाखान जंगल में सोमवार को जिला के लातेहार थाना क्षेत्र अंतर्गत तरवाडी पंचायत के ओर बाई बोकाखान के जंगल में भीषण मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान झारखंड जगुआर के दो जवान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवानों में राम सिंह सुरीन पिता नारायण सिंह बरायबीर गोलाइकेरा चायबासा वो नरेंद्र पांडे पिता रघुनंदन पांडे पनामू शामिल हैं। दोनों का इलाज सदर अस्पताल लाकर किया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर सुनील भगत व डॉक्टर भारद्वाज नारायण चौधरी ने प्राथमिक उपचार किया। जांच के बाद जवान राम सिंह सुरीन को रांची रिम्स से रेफर कर दिया गया है। चिकित्सक ने बताया कि दोनों जवान के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बोकाखार जंगल में 15 से 20 के संख्या में नक्सली दो घर में ठहरे हुए थे। सूचना के आधार पर SDPO अरविंद कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस सर्च अभियान में निकली थी। पुलिस जैसे ही नज़दीक पहुंची नक्सलियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी गोली चलाई, लेकिन नक्सलियों ने गोली चलाते हुए जंगल का लाभ उठाते हुए फरार हो गए। दोनों ओर से करीब 200 गोली चली हैं। करीब आधा घंटा मुठभेड़ हुआ है। मुठभेड़ का नेतृत्व SDPO अरविंद कुमार कर रहे थे। मौके पर सदर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा समेत थाना पुलिस एवं झारखंड जगुआर की टीम शामिल थे। तीन बंदूक पिट्ठू बैग दैनिक उपयोग का सामान पुलिस ने बरामद किया है। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। लातेहार थाना लातेहार जिला के लातेहार थाना अंतर्गत बोकाखाड़ के जंगली क्षेत्रों में सूचना प्राप्त थी कि वहां पर JJMP संगठन के जो प्रतिबंधित संगठन है उसके उग्रवादी एकत्रित हैं। सूचना के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया गया और टीम वहां पर जब पहुंची तो फिर उग्रवादी संगठन के साथ मुठभेड़ हुआ है। इसमें सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख करके उग्रवादी संगठन के लोग अपने हथियार और सामान को छोड़ करके भाग निकले हैं। इसमें इसके पश्चात क्षेत्र की तलाशी ली गई, जिसमें कि तीन बंदूक उसमें बरामद हैं और कई सारे इनके जो दैनिक उपयोग के सामान हैं उनको भी बरामद किया गया है। क्षेत्र में सर्च अभियान अभी जारी है। सर, कुछ नक्सली के मारे जाने की भी सूचना है क्या सर? अभी हम लोग क्षेत्र में सर्च अभियान चला रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई प्रारंभिक सूचना नहीं है। इस मुठभेड़ में हमारे दो एक ASI और एक जवान को माइनर इंजरी हुआ है, जिनका प्राथमिक उपचार किया है और वो अभी सब कुछ है।